और इधर देहरादून एसटीएफ ने एक शातिर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी एलआईसी पॉलिसी में निवेश करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करता था। अभी आरोपी के बाकी साथी फरार हैं, उनको भी एसटीएफ जल्द ही गिरफ्तार करेगी। दरअसल देहरादून के रहने वाले एक बुजुर्ग से करीब 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी आरोपी ने की थी और बुजुर्ग की शिकायत पर ये पूरी कार्रवाई की गई। आरोपी से 47,000 रुपए और 6 से ज्यादा मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। देहरादून है, हमारे यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन थे, 80+ ईयर्स एजड थे, उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो इसमें जो हमारी टीम है उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और इसको वर्कआउट करने की कोशिश की गई। जिन नंबर से कॉल किया गया था, जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, उन सारी डिटेल्स को एनालिसिस करके कल हमारी टीम ने दिल्ली से एक जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ्तार किया है।